In this lecture, we are discussing some of the important questions of Java, core Java programming. If you are preparing for any type of competition or whether you are a beginner, then these questions definitely will be helpful for you. So, start करते हैं question one से. देखते हैं question one क्या कह रहा है. Which of the following option leads to the portability and security of Java? तो देखो portability और security of Java में कौन सा options यहाँ पर हमारा ठीक रहेगा. Portability का मतलब क्या है कि जो कोड है, एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है या एक मशीन से दूसरी मशीन पर लेके जाना है, तो इसके लिए portability, इसको हम टर्म यूज़ करते हैं. तो ये कौन सा जो प्रोसीजर है, कौन सा टर्म है जावा में जो इस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करता है. तो देखो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑप्शन वन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई बाइट कोड इज़ एग्जीक्यूटेड बाई JVM. तो देखो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है. देखो बाइट कोड जो हमारा कंपाइलर होता है, जब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो उसका आउटपुट जो होता है वो बाइट कोड होता है. तो मीन्स जो भी आपका प्रोग्राम है, वो जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, वो कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये बाइट कोड किससे कौन करता है इसको, JVM करता है. JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन. तो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है. अब इस बाइट कोड को आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, ईजिली आप इसे पोर्टेबल कर सकते हो. तो यहाँ पर ये पोर्टेबिलिटी भी होगी और सिक्योरिटी भी होगी. तो ऑप्शन वन यहाँ पर ठीक हो जाएगा. तो पोर्टेबिलिटी के लिए और सिक्योरिटी के लिए जावा में कौन सा ऑप्शन ठीक है, बाइट कोड इज़ एग्जीक्यूटेड बाई JVM, जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा बाइट कोड जनरेट किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट. क्वेश्चन टू देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जावा फीचर्स. तो इनमें से देखो कौन सा जो है जावा फीचर नहीं है. तो देखो क्या डायनेमिक फीचर जावा में होती है, येस. क्या आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है, येस. क्या यूजर पॉइंटर्स होता है, नो. क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यस. जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है. तो देखो यूज़ ऑफ पॉइंटर जावा में नहीं होता है. जावा में यूज़ ऑफ पॉइंटर्स मींस पॉइंटर्स जावा में सपोर्ट नहीं किए जाते हैं. क्यों नहीं किए जाते हैं, क्योंकि देखो सी प्लस प्लस में इनमें पॉइंटर्स का यूज़ होता है, तो वहाँ पर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता था. तो जावा के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पॉइंटर्स को यहाँ पर यूज़ नहीं किया था. इंस्टेड ऑफ पॉइंटर्स यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है. तो यूज़ ऑफ पॉइंटर्स यहाँ पर नहीं होता है जावा में. तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. एक आर्टिकल दिया गया है /u0021 आर्टिकल रेफर टू एज ए. तो देखो ये क्या है एग्जैक्टली, तो ये है एक यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस. इट इज़ कॉल्ड यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस. जो ये /u जो हम लिखते हैं जावा में, इसका मतलब होता है जो हमारा यूनिकोड होता है उसको एस्केप कर देना है. बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जावा में जो कैरेक्टर्स लिटरल्स वगैरह जो कंसिडर किए जाते हैं वो UTF-16 को फॉलो करते हैं, ठीक है. अगर हम इनको बाय डिफ़ॉल्ट इसको इग्नोर करना चाहें तो इसमें स्लैश यू करना पड़ता है. स्लैश यू लिखते हैं, ठीक है. इससे क्या होता है, जो हमारा यूनिकोड होता है वो एस्केप हो जाता है. तो यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस इसको माना जाता है कि इसको /u, जहाँ पर भी बैकवर्ड /u हो जाए, मतलब यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस की बात चल रही है. तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर. इस ब्लैंक स्पेस दे रखा है और इसमें पूछा गया फिल इन द ब्लैंक करने के लिए. इज़ यूज टू फाइंड एंड फिक्स बग्स इन जावा प्रोग्राम्स. तो जावा प्रोग्राम्स में बग्स को फिक्स करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो ये होता है JDB. बग्स के लिए होता है JDB, जावा डीबगर, इसको बोलते हैं जावा डीबगर. JDB यूज़ होता है बग्स को फिक्स करने के लिए, राइट. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव. Which of the following is a valid declaration of a character? एक character की valid declaration क्या है वो हमें बतानी है. तो देखो अभी मैंने बताया था इसमें यूनिकोड का चक्कर आता है, इसमें जो by default जो होता है वो UTF-16 को follow करता है, ठीक है. हमें इसको escape कराना होता है by default, अगर इसको हटाना होता है तो हमें slash u use करना होता है, /u. उसके आगे जो भी हम literal strings लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और ये single quote में enclose किया जाएगा. तो देख लीजिए कहाँ पर है ऐसा. तो देखो पहला ऑप्शन ठीक हो रहा है, कैरेक्टर CH एक वेरिएबल हो जाएगा, इसको हम स्ट्रिंग इनिशिएट करा रहे हैं तो ये आएगा /u TEA, ठीक है. ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा. तो ये हमारी करेक्ट डिक्लेरेशन है, किसकी, वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ ए कैरेक्टर की, करेक्ट डिक्लेरेशन. देखो यहाँ पर ये ठीक नहीं है. क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर /u यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पर जो है सिंगल कोट यूज़ नहीं किया गया है, और यहाँ पर /i यूज़ किया गया है, तो हमें जबकि /u यूज़ करना है. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ ए कैरेक्टर इन जावा, राइट. आगे बढ़ते हैं कोर जावा की बात कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ ए हैश कोड मेथड इन द ऑब्जेक्ट क्लास. तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है हैश कोड मेथड का, किस में, ऑब्जेक्ट क्लास में, वो क्या होता है, इंट. ध्यान रखना है
इंट होता है, इंटीजर टाइप का इसका रिटर्न टाइप होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लॉन्ग लिटरल। तो वैलिड लॉन्ग लिटरल कौन सा होगा? तो वो सारे के सारे वैलिड हो जाते हैं अगर इनके लास्ट में एल होता। तो ध्यान में, जिसके लास्ट में एल लिखा होगा वो वैलिड लिटरल होता है। स्मॉल एल भी होता है और कैपिटल एल भी हो, दोनों तो चलता है, दोनों से ही चल जाएगा। लेकिन हम प्रिफरेबल किसको लिखते हैं? एल को लिखते हैं। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो स्मॉल आई होता है ना, स्मॉल आई हम जो लिखते हैं, और जो कैपिटल आई होता है, वो कैपिटल आई भी ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल एल भी ऐसे लिखा जाता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैपिटल एल लिखते हैं नॉर्मली। तो ऑप्शन ए डी यहाँ पर टिक हो जाएगा। जो वैलिड लॉन्ग लिटरल है वो क्या है? स्ट्रिंगली आप लिखिए, लास्ट में एल लिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट डज द एक्सप्रेशन फ्लोट ए इज इक्वल टू 35.0 रिटर्न। तो ये क्या करेगा? देखो, इन्फिनिटी करेगा, ठीक है, इन्फिनिटी करेगा फ्लोट ए। या 35 जो है बाय डिफॉल्ट, ये क्या माना जाएगा? 35.0/0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? बाय डिफॉल्ट इन्फिनिटी में काउंट होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं, हम 0/0 लिख देते तो ये क्या हो जाता है? इसको NaN, ये रिप्रेजेंट करता है NaN, ठीक। तो 35/0 इट इज़ इन्फिनिटी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ़ एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 5 है और जेड की वैल्यू 10 है। तो हमें एक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन देना है, क्या होगा? तो देखो, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, प्लस प्लस जेड लिखा है, जेड की वैल्यू कितनी है? 10 दे रखी है। तो क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर? 11 आ जाएगा, राइट। फिर देखो, प्लस लिखा हुआ आगे, प्लस के बाद क्या है? वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू 5 है, ठीक। फिर आगे माइनस वाई लिखा है, सिंपल, तो माइनस 5। फिर आगे लिखा प्लस जेड, प्लस जेड का मतलब 10। फिर आगे लिखा है प्लस एक्स प्लस प्लस, और देखो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 3 मानी जाएगी। उसे जोड़ लीजिए आप, ये देखो 5 से 5 गया, तो 11 प्लस 10 कितना हो गया? 21 प्लस 3 कितना? 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 24। ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज टू जनरेट API डॉक्यूमेंटेशन HTML फॉर्मेट फ्रॉम डॉक कमेंट्स इन सोर्स कोड। तो सोर्स कोड से, सोर्स कोड कमेंट्स, डॉक कमेंट्स, सोर्स कोड में जो डॉक कमेंट्स होते हैं उनको HTML फॉर्मेट में API डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? तो ये होता है जावा डॉक टूल। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑफ 20 हो जाएगा, इसको बोलते हैं जावा डॉक टूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स ए लिस्ट ऑफ 3 विजिबल टर्म्स एंड मल्टीपल सिलेक्शंस एबल्ड। तो मल्टीपल सिलेक्शंस एबल्ड हों और एक लिस्ट बनानी हो, तो देखो यहाँ पर जो है ये कंस्ट्रक्टर बनाया था, लिस्ट नाम की एक ऑलरेडी क्लास होती है, उसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। उसका नाम क्या होता है, उसको कैसे कॉल करते हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो रहा है, न्यू लिस्ट ब्रैकेट के अंदर 3 एंड देन ट्रू। तो तीन ऑप्शन मिलेंगे, तीन ऑप्शन यहाँ पर जो है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए रहेगा यहाँ पर, मल्टीपल सिलेक्शन ट्रू ऑप्शन वाला ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो न्यू लिस्ट 3 ट्रू, तो ये जो ये है एक तरह से कंस्ट्रक्टर की तरह कॉल होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर लूप डिक्लेरेशन इज नॉट वैलिड। तो बताओ कौन सा फॉर लूप डिक्लेरेशन वैलिड नहीं है? तो इसको आसान क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, ये सारे ठीक है, ये यहाँ पर कंडीशन भी ठीक है। जो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन है, देखो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। इंक्रीमेंट वाला पोर्शन देखो यहाँ पर ठीक है, आई प्लस इजिकल टू 7 ठीक है, माइनस माइनस आई प्री इंक्रीमेंट माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इजिकल टू 2 इंटू आई, ये भी ठीक है, ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये लिखा होता आई इजिकल टू आई अपॉन 9, तो ये ठीक होता, लेकिन ये आई अपॉन 9 लिखा सिंपल, ये नहीं चलेगा, इट विल नॉट बी वर्क, नॉट वर्क, क्योंकि ये जो है टू वेरिएबल, टू ऑपरेंड वेरिएबल हो गए, टू ऑपरेंड एक्सप्रेशन हो गया ना, इधर टू ऑपरेंड एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम प्लस प्लस या माइनस माइनस यूज़ करते चल जाता, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जो 12 का जो ए ऑप्शन है ये ठीक है, मतलब ये वाला जो फॉर लूप का डिक्लेरेशन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। इन विच प्रोसेस ए लोकल वेरिएबल हैज़ द सेम नेम एज वन ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल शेड्यूलिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि वेरिएबल शेड्यूलिंग में क्या होता है, लोकल वेरिएबल हैज़ द सेम नेम एज वन ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल। जो लोकल वेरिएबल है वो एज वन ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल होता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल शेड्यूलिंग, इस टेक्निक को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनोनिमस इनर क्लास। तो एनोनिमस इनर क्लास के लिए इनमें से क्या जो है वो ट्रू है? तो इट हैज़ ओनली मेथड्स, क्या ये क्या इसमें केवल मेथड्स होते हैं? ये गलत है।
ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट हो सकते हैं. इट हैज़ ए फिक्स क्लास नेम, ऐसा भी कुछ नहीं है. इट हैज़ नो क्लास नेम, येस बिल्कुल ये वाला ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है. जो हमारी एनोनोमस क्लास होती है, एनोनोमस इनर क्लास जो होती है, इट हैज़ नो क्लास नेम, इसके अंदर कोई क्लास नेम नहीं होता. इट हैज़ नो क्लास नेम. एक्चुअली इसका यूज होता है ओवर राइडिंग में, यूज होता है ओवर राइडिंग में जो फीचर होता है उसके लिए यूज होता है. एनोनोमस क्लास, इनर क्लास, इसका कोई नाम नहीं होता है. सिर्फ क्लास की वर्ड हम लिखेंगे, नाम उसको नहीं देंगे. राइट, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, विच पैकेज कंटेन्स द रैंडम क्लास. तो देखो रैंडम क्लास के लिए कौन सा पैकेज होता है, तो ये होता है जावा यूटिलिटी पैकेज, जावा डॉट यूटिलिटी, UTIL, जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज. इसके अंदर जो हमारा रैंडम क्लास होता है जिससे रैंडमाइजेशन जो है नंबर जनरेट किए जाते हैं. तो 15 का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा. 16 देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई नेमलेस ऑब्जेक्ट्स. तो नेमलेस ऑब्जेक्ट्स की बात आ रही है, तो एनोनिमस टर्म्स यहाँ पर यूज होगा, तो नेमलेस ऑब्जेक्ट की बात चल रही है ना. तो व्हाट डू यू मीन बाई नेमलेस ऑब्जेक्ट, तो नेमलेस ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं. तो नेमलेस ऑब्जेक्ट से हम ये समझते हैं कि भाई एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, ऐसा कुछ नहीं है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सुपर क्लास क्रिएटेड इन द सब क्लास, सुपर क्लास का क्रिएट किया गया सब क्लास के अंदर, नो ऐसा भी नहीं है. एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी नेम बट हैविंग रेफरेंस, मतलब नाम नहीं है लेकिन रेफरेंस है, ये भी गलत है. एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ नो रेफरेंस, ये वाला ठीक है. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, क्रिएट किया गया है ठीक है, एनोनिमसली इसको क्रिएट किया गया लेकिन इसका कोई रेफरेंस इसको नहीं मिला है. तो एन ऑब्जेक्ट दैट हैज नो रेफरेंस इज कॉल्ड नेमलेस ऑब्जेक्ट. 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा. एनी ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड बट हैज नो रेफरेंस इज कॉल्ड नेमलेस ऑब्जेक्ट. 17 पढ़ते हैं, एन इंटरफेस विद नो फील्ड्स और मेथड्स इज नोन एज. ऐसा इंटरफेस जिसमें कोई फील्ड नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम मार्कर इंटरफेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मार्कर इंटरफेस. ऐसा इंटरफेस जिसमें कोई फील्ड नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता, इसको हम मार्कर इंटरफेस बोलते हैं. 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट सब क्लास ऑफ अ पैनल क्लास. तो पैनल क्लास का जो इमीडिएट सब क्लास क्या होता है, ये एप्लेट क्लास होता है ठीक है. ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, ये ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं. सब क्लास का जो किसका इमीडिएट सब क्लास का सब क्लास पैनल का जो इमीडिएट सब क्लास है वो क्या है, एप्लेट क्लास. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट फाइनल कीवर्ड. तो जो हमारा फाइनल कीवर्ड है उसके रिगार्ड्स में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हमें बताना है, देखना है. ऑप्शन ये पढ़ते हैं, ए फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन इन इट्स सब क्लास. तो ये तो सही, ये तो गलत है, नहीं ऐसा तो नहीं, ये तो हो सकता है लेकिन ये कैनॉट बोल रहा है. फाइनल मेथड कैन बी ओवररिडन इन इट्स सब क्लास, फाइनल मेथड अपनी सब क्लास में ओवररिडन हो सकता है, जबकि ये बोल रहे हैं कैनॉट, मतलब ये वाला तो गलत है नहीं ठीक. आगे बढ़ते हैं, ए फाइनल क्लास कैनॉट बी एक्सटेंडेड. फाइनल क्लास कैनॉट एक्सटेंड नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है, फाइनल क्लास जो है एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये हमसे गलत पूछ रहा है तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा. सी पढ़ते हैं, ए फाइनल क्लास कैन नॉट एक्सटेंड अदर क्लासेस. एक फाइनल क्लास जो है वो दूसरी क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये गलत है, ये हमारा ऑप्शन गलत है, जबकि ऐसा कर सकता है. ए फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड, ये भी हमारा सही है. तो हमारा ऑप्शन जो कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा. सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, कौन सा, सी. क्या कह रहा है, विच ऑप्शन इज फॉल्स, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये वाला गलत है कि फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंड अदर क्लासेस, ये गलत है, जबकि फाइनल क्लास जो है दूसरी क्लासेस को एक्सटेंड कर सकता है. 19 का जो है सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा. और आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ दीज क्लासेज आर द डायरेक्ट सब क्लासेज ऑफ द थ्रोएबल क्लास. थ्रोएबल क्लास की जो डायरेक्ट सब क्लास कौन सी होती है, आसान क्वेश्चन है, ये होती है एरर और एक होती है एक्सेप्शन क्लास. जो थ्रोएबल क्लास होती है उसकी डायरेक्ट सब क्लासेस कौन सी होती है, एक एरर होती है और एक एक्सेप्शन क्लास होती है. तो फ्रेंड्स इस तरह से करके हमने 20 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं. अगर आप जावा से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहे हो या किसी टेक्निकल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होंगे. इसी तरह से मैं कुछ और क्वेश्चन भी लेके आऊँगा ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी ठीक है. फ्रेंड्स अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.